गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू जेके एकेडमी क्लास 9th एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 सेकंड क्वेश्चन राइट फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो फॉलोइंग इक्वेशन नीचे दी गई इक्वेशन है उनके क्या करने हैं, फोर सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम, तो सोल्व करेंगे हम पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई एक्स इक्वल टू क्या होगा, 9 माइनस वाई। एक्स इक्वल टू क्या होगा, 9 माइनस वाई अपॉन पाई। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ हम इंडेक्स बनाएंगे जिसमें ऊपर रखेंगे एक्स की वैल्यू और नीचे वाई की वैल्यू। कितने निकालने हैं, चार, चार सॉल्यूशन निकालने ना। ठीक है, अब देखो वाई की वैल्यू कितनी रखते हैं, अगर फर्स्ट हम वाई इक्वल टू रखते हैं जीरो, वाई इक्वल टू रखते हैं जीरो, तो कितना आएगा हमारा, x इक्वल टू 9 माइनस वाई अपॉन पाई। ठीक है, x इक्वल टू क्या होगा, y की वैल्यू जीरो, 9 माइनस जीरो अपॉन पाई, और x इक्वल टू हमारे पास होगा 9 अपॉन पाई। क्या होगा, 9 अपॉन पाई। सेकंड y की वैल्यू रखते हैं हम 1, तो क्या होगा, x इक्वल टू 9 माइनस वाई अपॉन 9 माइनस वाई, वाई है ये 9 माइनस वाई अपॉन पाई। ठीक है, वाई की वैल्यू रखनी है 1, 9 माइनस 1 अपॉन पाई, तो ये होगा 8 अपॉन पाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 8, तो ये रखो वाई इक्वल टू 0, तो एक्स आया हमारा 9 अपॉन पाई। ठीक है, अगर y इक्वल टू 1 रखा तो हमारा आया 8 अपॉन पाई। अगर y इक्वल टू 2 रखते हैं तो कितना आता है, x इक्वल टू 9 माइनस y अपॉन पाई, x इक्वल टू 9 माइनस 2 अपॉन पाई, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7 अपॉन पाई। y इक्वल टू 2 रखा तो ये 7 अपॉन पाई। ठीक है, y इक्वल टू हमने 3 रखा तो हमारा आया x इक्वल टू 9 माइनस वाई अपॉन पाई, 9 माइनस 3 अपॉन पाई, तो 6 अपॉन पाई इक्वल टू क्या आया हमारा, x आया। तो y की वैल्यू 3 रखी तो कितने आया, x 6 अपॉन पाई। इस प्रकार से हमें क्या निकालने हैं, इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। पहले इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन को एक x इक्वल टू रखेंगे, x इक्वल टू रखा तो हमें फिर y की वैल्यू जो इस इक्वेशन में इस तरफ जो वैल्यूज है y है x है जो भी है उसकी वैल्यूज रखनी है, उसकी वैल्यूज मैंने y इक्वल टू 0 रखा तो मेरे पास आया x इक्वल टू 9 अपॉन पाई, y इक्वल टू 1 रखा तो मेरे पास x की वैल्यू आई 8 अपॉन पाई, y इक्वल टू 2 रखा तो मेरे पास x की जो वैल्यू आई वो आई 7 अपॉन पाई, और y इक्वल टू 3 रखा तो मेरे पास x की वैल्यू आई 6 अपॉन पाई। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को क्या करना है, हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड का थर्ड, एक्स इक्वल टू 4y, एक्स इक्वल टू 4y। ठीक है, एक्स इक्वल टू 4y सॉल्व करते हैं, एक्स इक्वल टू 4y। ठीक है, तो x इक्वल टू रखा हुआ है, इक्वेशन बनी हुई है, y की वैल्यू रखनी है और हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है, x से y, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो मैंने y इक्वल टू 1 पुट किया तो x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 तो x इक्वल टू कितना आया, 4। जब y की वैल्यू 1 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आई, 4। सेकंड, जब y की वैल्यू 2 पुट की तो x इज इक्वल टू 4y। ठीक है,
एक्स इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई टू एक्स इक्वल टू एट, तो वाई इक्वल टू कर टू पुट किया तो मेरे पास इसकी वैल्यू आई एट। ठीक है, एक्स की वैल्यू मैंने वाई की वैल्यू रखी थ्री, तो मेरे पास एक्स इक्वल टू फोर वाई, वाई की वैल्यू रख दी मैंने एक्स इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई थ्री, मेरे पास आया ट्वेल्व इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू ट्वेल्व आई जब थ्री रखा, वाई इक्वल टू मैंने रखा जीरो, तो जीरो रखने पर एक्स इक्वल टू फोर वाई, एक्स इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई जीरो, कोई भी नंबर होल नंबर अगर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा जीरो, जब ये जीरो है तो ये भी जीरो। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये इंडेक्स बनानी है, इंडेक्स निकालनी है, एक्स इक्वल टू फोर वाई, वाई की वैल्यू रखनी है वन रखेंगे, वाई के स्थान पर वन रखेंगे तो फोर मल्टीप्लाई वन फोर हो जाएगा, वाई की इक्वल टू टू रखेंगे तो वाई के जगह क्या रखेंगे टू रखेंगे तो फोर मल्टीप्लाई टू एट हो जाएगा, वाई इक्वल टू थ्री रखा तो फोर मल्टीप्लाई थ्री ट्वेल्व हो गया, वाई इक्वल टू जीरो रखा तो फोर मल्टीप्लाई जीरो जीरो हो गया। इस प्रकार से ये हमें इंडेक्स बनानी है। ठीक है, इस इंडेक्स इंडेक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो फोर वन एट टू ट्वेल्व थ्री और जीरो जीरो, इस प्रकार से आप भी इसको आंसर में शो कर सकते हो। ठीक है।